इस ट्राइबल की पवित्र भूमि में यह जो कार्यक्रम हो रहा है, ट्राइबल रिलीजन कोर्ट धर्म कालम के लिए जो मंच जो समिति गठित की गई है उसके बैनर तले और आपके लोकल बैनर तले जो रिसर्च सेंटर जो बोल रहे हैं आप आईसीटीआर, इसके बैनर तले जो आज धर्म कालम के लिए जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, इस मंच पर आसीन कार्यक्रम के प्रेसिडेंट सुंदरम साहब, हमारे मुख्य सेवक अरविंद राव जी, हमारे बड़े भाई बिरसा राव जी, तरुण नेताम जी और नेताम साहब, और इस सभा में विराजमान सभी मातृशक्तियाँ पितृशक्तियाँ, सबको मैं अपनी सेवा जो अर्पित करता हूँ। ट्राइबल कलम, ट्राइबल रिलीजन कोड, इसको बताने से पहले मैं एंशियंट ट्राइबल का जो आर्कियोलॉजी सिस्टम है जो आपके इस महाबलीपुरम में विराजमान है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमने इस महाबलीपुरम का दो बार रिसर्च किया हुआ है, आर्कियोलॉजी के हिसाब से दो बार इसका आर्कियोलॉजी सर्वे किया और 100% हमने पाया कि महाबलीपुरम में जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, चाहे साई ग्रंथ हो, चाहे स्वर टेम्पल हो, चाहे आपका यहाँ पर जो बैलेंसिंग स्टोन है, इस सारा का सारा जो आर्कियोलॉजी है एंशियंट द्रविड़ियन आर्कियोलॉजी के ऊपर टिका हुआ है। ये आपका और हमारे पूर्वों के द्वारा बनाया गया पूरा महाबलीपुरम, जिसको नाम बदल करके मामलापुरम किया जा रहा है, आपको और हमको विरोध करना चाहिए। मामलापुरम नहीं है जगह का नाम, हमारा एंशियंट और प्राचीन पुरखा जिसको राजा बलि बोलते थे, उस बलि के नाम से महाबलीपुरम पड़ा हुआ है। आइए इन सब स्ट्रक्चर का हम आर्कियोलॉजी सर्वे करते हैं, द्रविड़ियन या एंशियंट ट्राइबल के हिसाब से स्वर टेम्पल को लेते हैं। ये स्वर टेम्पल का फोटोग्राफी है, स्वर टेम्पल का जो मुख है वो पश्चिम मुखी है, ईस्ट में है, ईस्ट के तरफ से हम इंट्रेंस होते हैं और हमारे सामने फेस में सूर्य को पाते हैं। ये हमारा द्रविड़ियन आर्कियोलॉजी के तहत है, स्वर टेम्पल हमारे द्रविड़ियन आर्कियोलॉजी के तहत है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे सांड बने हुए हैं, सांड या एंशियंट बैल बना हुआ है, ये सब एनिमिस्ट सिस्टम का सिस्टम है। जहाँ पर भी कोई भी टेम्पल में या पुराने कोई जगह में कोई भी जानवर, जीव जंतु, वनस्पति, सांप, बैल, सांड, मोर, जहाँ भी कभी बना हुआ है, समझिए वो ट्राइबल का है, क्योंकि ट्राइबल एनिमिस्ट सिस्टम को फॉलो करता है। आपके ट्राइबल कालम में एनिमिस्ट सिस्टम भी आया हुआ है। इसके बाद ये सामने आप देखेंगे, ये सामने जो सिंह और धारी जो है आपके सामने ही आर्कियोलॉजी घर टिका हुआ, ये सिंह और धारी देखे होंगे आप, ये सामने में ही है, अभी घूमने मिला है ना, एक टेंपल के ऊपर में लेके ऐसा सिंह और धारी मिला है, ऐसा ही सिंह और धारी का स्ट्रक्चर आपके एंशियंट सिविलाइजेशन बहुत जो हड़प्पा में मिला हुआ है, देखे है ना, ऐसे ही मिला हुआ है, ऐसे जिसको 100% पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री गोंडियन या ट्राइबल स्ट्रक्चर या आर्कियोलॉजी के तहत माना जाता है। हमारा बहुत जो हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन है वो हमारा ट्राइबल का सिविलाइजेशन है, ऐसा ही बोलो, ऐसा ही उदाहरण के हो कोई बैठा हुआ है मोहन जोतर हड़प्पा में जो आपके महाबलीपुरम में है। इसका मतलब क्या है, आप धर्म कालम का एक नाम दे रहे हैं पूरे भारत भर में, वो शब्द है ट्राइबल शब्द। ट्राइबल शब्द भले इंग्लिश में है लेकिन उसका मीनिंग 100% भारत में रहने वाले सभी, भारत में रहने वाले सभी ट्राइबल का जो कस्टम और कस्टमरी रहा है उसको पर आधारित।
बेस है हमारे कस्टमर कस्टमर इलाका, तो इस टाइप का मोनो है। ये मोनो बताता है आपका टैगेट फिलॉसफी, आपका ट्रेवलर फिलॉसफी बताता है। इसी ट्रेवलर फिलॉसफी को जो फॉलो करता है उसी को हम ट्राइबल बोलते हैं। ये इंग्लिश का मीनिंग है, जो 100% आपके कस्टमर को बताता है। ये हमारा रिसर्च का सब्जेक्ट है कि प्राचीन भारत और प्राचीन दक्षिण भारत 100% ट्राइबल का राजपाट था, 100%। आर्य लोग आए और इस द्रविड़ियन कल्चर को, द्रविड़ियन ट्राइबल के कल्चर को भिन्न किया। उसी के सामने एक मंदिर बना दिया गया। देखिए मंदिर बना है कि नहीं सामने में, एक सामने में देखिए मंदिर बना है बाद में। मतलब आपका जो कल्चर है, आपका जो रीति रिवाज संस्कार है, कस्टम है, कस्टमरी रहा है, उसमें अगर ओवरलैपिंग किया गया है, आपके जो सिस्टम है उसमें ओवरलैपिंग करके फिर अपना चीज, अपना कस्टम इन हिंदूवादी व्यवस्था या आर्यवादी व्यवस्था के द्वारा बैठाया गया और आपके प्राचीन एंशिएंट जो फिलॉसफी को खत्म किया गया। मेरा इस महाबलीपुरम का आर्कियोलॉजी सर्वे करने का या एग्जाम्पल देने का या रिफरेंस देने का एक ही मकसद है कि वो जो 5000 साल पहले जो चल रहा है वो आज भी भारत में गवर्नमेंट है, जो शासन है वो आपको पूरा खत्म करने के चक्कर में है, पूरा ट्राइबल का सिस्टम खत्म करने के चक्कर में है। वो इसका रास्ता क्या है, मैं क्या आपको डरा रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपके पास रास्ता है, आपके हाथ में है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो। सबसे पहला रास्ता 2021 का जो सेंसस है उसमें हमारा सेपरेट कॉलम होना चाहिए। जब तक आपका कॉलम सेपरेट नहीं होगा, आपका कस्टम, कस्टमरीला, एंथ्रोपोलॉजी, मेथोलॉजी, ट्रेडिशनल आर्कियोलॉजी सब के सब गुलाम है गुलाम। आपको इन सब को मानने का स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए जब तक हमारा ट्राइबल कॉलम सेपरेट नहीं होगा, हमको चैन की सांस नहीं लेना है। कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान, गुजरात से लेकर आपके नागालैंड, सिक्किम तक हम सब ट्राइब को अपना सब चीज छोड़ कर एक हो जाने की जरूरत है। आप जो भी मानते हो, जो भी रीति रिवाज, रिचुअल, स्पिरिचुअल, जो भी आप अपने घर में मानते हो, वो उसके ऊपर किसी का नाम है, आपको पूरा खत्म करने की तैयारी चल रहा है। हमारे हमारे भी आईडी है, हमारे भी रिसोर्सेस है, हमारे गुप्तचर है। उन गुप्तचरों के द्वारा हमको पता चल रहा है कि आरएसएस के द्वारा हिंदू शब्द को खत्म किया जा रहा है, हिंदू शब्द को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू शब्द उनके कोई पौराणिक पुस्तकों में नहीं है, महाभारत में नहीं है, रामायण में नहीं है, वेद पुराणों किसी में भी नहीं है हिंदू शब्द। हिंदू शब्द ज्यादा से ज्यादा 400-500 साल पुराना जो हमारे मुस्लिम आए उन्होंने दिया हुआ है। तो आरएसएस क्या कर रहा है, हिंदू शब्द को ग्रीन करके सनातन धर्म कर रहा है, जो बहुत खतरनाक है। सनातन धर्म करके वो ये साबित करेगा कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम कोई बनाया नहीं, प्रकृति से चला आ रहा है, प्रकृति से चला मान है, प्राचीन समय से मान रहे हैं, हम आदिम सभ्यता के मानने वाले हैं, तो सनातन का अर्थ भी वही देगा कि सनातन चीज प्राचीन समय से चला आ रहा है। इसलिए आप अलग से कोई ट्राइबल की, अलग से ट्राइबल या आदिवासी की मांग मत कीजिए, सब के सब आदिवासी सनातन धर्म में आ जाइए, ऐसा करके उसे साबित करने वाला है, जो बहुत खतरनाक है हमारे लिए। इसके लिए सबको हमको सचेत होना पड़ेगा। अभी हमारे भाई और बहन ट्रांसलेट करें कि सब को, इन शब्दों को जरूर नोट डालिए कि आने वाला समय हमारे लिए ठीक नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। उसका सवाल, उस सवाल का जवाब है कि है आप में हमारे में संगठन, संगठन जब तक नहीं होगा हमारा मजबूत, हम दिल और दिमाग से एक नहीं सोचेंगे। भारत का हर आदिवासी यह ना सोचे कि मैं एक ही माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ,